नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। प्रदेश में चुनावी समर चरम पर पहुंचता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेरने और कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वही दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी रणनीति बदलती दिख रही है। आज दिल्ली से सचिन पायलट तो जयपुर से हाथ के जादूगर ने सत्ताधीशों पर निशाने साधे। जितना तीखे तंज केंद्र पर साधा उतना ही करारा प्रहार प्रदेश सरकार पर भी किया, तो वही कमल के कुंबे से भी इस दोहरे वार का दोहरा पलटवार किया गया। खुद प्रकाश जावड़ेकर ने मोर्चा संभालते हुए सचिन और गहलोत की प्रेस वार्ता की टाइमिंग पर सवाल उठाए। वहीं राजेंद्र राठौर ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। भारत देश में एक ऐसी सरकार है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलकर इस देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आर्थिक आतंकवादियों को बचाने का काम कर रहा है। और वो यूपीए के सरकार में मनमोहन सिंह जी के समय में जो कुल मिलाकर 141 करोड़ का कर्जा माफ हुआ था राजस्थान के किसानों का, उसकी वाहवाही लेना चाहते हैं। ये राजस्थान की संस्कृति पर हमला है उनका, राजस्थान के किसान का अपमान है। ये नौबत क्यों आई? क्योंकि आपने जानबूझ के साल भर से छूट दे रखी है, बड़ी माफियों को लूट लेती और पैसा पहुंचता ऊपर तक, इसलिए आपने छूट दे रखी है। जब से अवैध खनन होता है तब से ट्रक किसकी होगी, किस रास्ते से जाएगी, और वो बंदी हुई है पैसा ऊपर तक पहुंचने की। पहले तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और आपस में लड़ाई तेज है, इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे 11 बजे साढ़े 11 बजे जैसे गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया यहाँ, उसी समय सचिन पायलट ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो ये इनकी एकता है। दिल्ली में सचिन और जयपुर में गहलोत, तो क्या मान लिया जाए कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है? अगर हाँ तो फिर आखिर हाथ ने क्यों बदल ली रणनीति? जादूगर ने जयपुर में क्यों संभाला मोर्चा और पायलट ने दिल्ली से क्यों की प्रेस वार्ता? और क्या है जावड़ेकर और राठौर के पलटवार के मायने? जी बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर। बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मुकेश दाधी जी, कांग्रेस नेता सुशील आसोपा जी, और साथ ही हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हैं पूर्व संसदीय सचिव और कांग्रेस नेता गोविंद राम मेघवाल जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। गोविंद जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल रहेगा कि टाइमिंग को लेकर एक ही समय में दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या मैसेज देने की कोशिश या ये महज इत्तेफाक? ये हमारी पार्टी की सक्रियता है जी। और हमारे नेता लगातार अपने हिसाब से सारी बात जो है वो कह रहे हैं, और हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं, और चुनाव का समय है और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में ये झांसों की सरकार है, झूठ के आधार पे पूरी सरकार चल रही है, और जैसे ही इन पे अटैक करते हैं तो ये इस तरह की बातें करते हैं जिसका कोई मायना नहीं रखता। आप समझते हैं इस बात को कि आज पूरा देश जो है व्हाट्सएप पर है, ट्विटर पर है, हर आदमी अपनी अपनी बात कहता है, तो ये अपने मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस में इस तरह की बातें करते हैं चला करके कि कांग्रेस में फूट है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे राजस्थान की जनता कांग्रेस को भारी बहुमत से जिता रही है, पूरे नेताओं में हमारी एकता है, राहुल गांधी जी का नेतृत्व है। चलिए, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए मुकेश जी, गोविंद जी ने तो कह दिया कि ध्यान भटकाने के लिए ही एक मुद्दा ऐसे पकड़ लेती है बीजेपी, और वही आज भी किया गया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि गोविंद जी को शायद ध्यान नहीं, हम किसी का ध्यान भटका नहीं रहे। खुद इनके नेता राहुल गांधी जी यहाँ आकर के कहते हैं कि कांग्रेस की पिछली सरकार फेल्योर थी। इसका इशारा क्या है? इसका साफ तौर पे इशारा है कि अशोक गहलोत का शासन जो था फेल्योर था।
इसलिए अशोक जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को साबित करना चाहते हैं कि राजस्थान की जनता के बीच में मैं आज भी हूँ, और इसी को इंडिकेट जब उनको सचिन पायलट जी को मिलता है कि ये अशोक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो तुरंत वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि कांग्रेस का अंदरूनी तनाव जो है वो कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है। और रही बात, जब आप हम पे आरोप लगाओगे, प्रत्यारोप लगाओगे, तो हमको जवाब देना ही पड़ेगा, हमको बताना ही पड़ेगा कि हमने क्या किया। हाँ। आज किसान पूछ रहे हैं कि अगर किसानों के हित में सरकार ने कोई फैसला लिया तो इनको सवाल खड़ा करने का हक कहाँ है, हमने कोई गलती की है उसमें? अगर राजस्थान के किसान के पक्ष में सरकार खड़ी है, राजस्थान के किसान का बिजली का बिल माफ कर रही है, राजस्थान के, यानी आपका कहना यह है कि गहलोत साहब इसी कर रहे थे, जानकारी मिली तो सचिन पायलट करने लगे। लेकिन सुशील आसोपा जी, दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो AICC वो डिसाइड करती है और वो पहले से प्लान्ड होता है, तो ऐसे में तो मुकेश जी जो कह रहे हैं वो तो गलत ही ठहराया जाएगा या ऐसा ही कुछ है? देखिए, आप टाइमिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए। सचिन पायलट जी ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि अरुण जेटली का टाइमिंग पर ही है। सुशील जी, पहले टाइमिंग पे बात करते हैं, क्या कहा उस पर भी चर्चा करेंगे। टाइमिंग को लेकर बीजेपी प्रहार कर रही है तो उसी का जवाब दे दीजिए पहले। आपने तो, मैं बीजेपी के सवालों के लिए यहाँ थोड़ी आया हूँ, मैं तो देश की जनता को बताने आया हूँ। बीजेपी के सवालों के लिए क्या, अगर कांग्रेस पर सवाल किया जाएगा सचिन पायलट जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, सुनिए आप अपनी बात रहने के लिए, सुनिए नहीं बात, आप भी सुनिए, मैं यहाँ आप सुनिए बात, सचिन पायलट जी ने मांगा है अरुण जेटली का इस्तीफा। टाइमिंग को लेकर सवाल है, टाइमिंग को लेकर जवाब दीजिए। किसकी टाइमिंग का, क्यों दोनों की टाइमिंग एक थी, इस पर अगर बार बार सवाल है तो आप जवाब दीजिए। ये कोई, आप चुनाव कर रहे हैं ठीक है, और आप ये डिबेट का एजेंडा ये है कि सचिन पायलट जी, वो तो हम डिसाइड करेंगे सर, आप जवाब दे दीजिए। देखिए सुनिए, मैं बात कह रहा हूँ आपको सुशील जी, आप इस तरह इंसिस्ट नहीं कर सकती मुझे। मैं कह रहा हूँ कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, बहुत बढ़िया ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय कर रही है। आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस नहीं जानती है कि सचिन पायलट जी को AICC मुख्यालय में उन्होंने कागज दे के बिठाया है? चलिए भैया, आपको तो जवाब, मंत्री का इस्तीफा मांगो, गोविंद जी करो कर लेते हैं, गोविंद राम मेघवाल जी बात की है, गोविंद राम मेघवाल जी देखिए डिसाइड, सुनिए आपके पास लौटेंगे ना, लौटेंगे सुनेंगे आपके भी, आपने पहले टाइम वेस्ट कर दिया ना आपने सर जी। गोविंद राम जी सुना आपने, सुशील जी को भी, देखिए बीजेपी प्रहार कर रही है, बीजेपी पर बात करने के लिए हम नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ चर्चा हो रही है तो दोनों पर की बात सुननी है, अगर हम आपकी बात सुन रहे तो बीजेपी की भी सुनेंगे। टाइमिंग को लेकर अगर प्रकाश जावड़ेकर ये कह रहे हैं कि लोग एकता की बात करते हैं लेकिन कहीं एकता नहीं है, क्या आप मानते हैं कि बीजेपी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, क्या आप ये मानते हैं बीजेपी के पास एक ही मुद्दा रह गया है? श्वेता जी गोविंद जी बताएं, मोदी जी पर राफेल का आरोप लगा, 370 की बात कर रहे थे, महंगाई कम करने की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे, पाकिस्तान से एक के बदले 15 सर लाने की बात कर रहे थे, कभी मोदी जी बोले क्या इस बात पर? आज पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट है, किसान कर्जे से डूबे जा रहा है, जो इन्होंने माफ किया है अभी तक किसानों के खाते में 15,000 रुपए भी आए नहीं है प्रति किसान, बहुत जगह सर्टिफिकेट बांट दिए गए हैं, लेकिन ठीक है आपने अपने केंद्र को लेकर, मुकेश जी गोविंद जी जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर राफेल से लेकर तमाम मुद्दे जिसको लेकर कांग्रेस लगातार पीछे भी करती है और हर संबोधन में राफेल का जिक्र होता है, मुकेश जी मैं ये कहना चाहूंगा राफेल के मुद्दे पे कांग्रेस के अध्यक्ष, गोविंद जी की बात छोड़िए, राफेल के मुद्दे पे कांग्रेस के अध्यक्ष ने जितने भी आज तक के बयान दिए उसमें अलग अलग उन्होंने बताया कि किस किस खरीद में राइट पे और राफेल खरीदा गया, तो खुद ही झूठ का पिटारा लेके पूरे देश में घूम रहे हैं, उस बात का प्रधानमंत्री जी क्या जवाब दें? जवाब देने वाले उनको बराबर दे रहे हैं, जो गृह जो रक्षा मंत्री है वो जवाब दे रही है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान की लड़ाई में अगर आप देखोगे तो कहीं के अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी जिस प्रकार से आपने ठीक कहा कि AICC डिसाइड करती है कौन कितने बजे प्रेस करेगा, उसके बाद में ये प्रेस अशोक जी 3 बजे भी कर सकते थे, 2 बजे भी कर सकते थे, लेकिन सेम टाइम पे आना ये कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेट है कि आपस में इनमें टकराहट, और जो प्रश्न उठाए हैं उन्होंने, मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार के प्रश्न उठाए वो प्रश्न एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाते से उस गरिमा के अनुरूप नहीं है, राजस्थान की जनता को राहत देना ये कहीं की राजस्थान सरकार की एक कुल मिलाकर के काम है, और लेकिन किसान के साथ है कांग्रेस तो बोलते हैं किसान के साथ है, किसान के मुद्दे को लेकर लड़ रही है, किसानों की बात करें, किसानों के लिए कुछ बात करें तो उसको अगर कांग्रेस दूसरे दृष्टि से देखती है तो निश्चित रूप से किसानों के लिए प्रति इनका जो चेहरा सामने दिखता है, ये क्या करना चाहते हैं किसानों के लिए? सुशील जी आप कुछ बोलेंगे?
आप पूछिए, आप क्या देखिए श्वेता जी, आप पूछिए, आपको जो पूछना, आपके डिबेट ही आपके प्रश्न का जवाब देना है। प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। अगर आप एनालिस्ट क्या कहना चाहते हैं सुनना ही नहीं चाहती हैं। सुन रहे हैं सुशील जी, आप इतना गरम क्यों हो रहे हैं? सुन रहे हैं, यहाँ पर अगर बीजेपी वाले कुछ बोल रहे हैं, मेरा आपसे फिर एतराज है। मेरी मेरा आपकी चैनल से फिर एतराज है कि दो बड़े नेता अगर टाइमिंग सेम है, ये कोई मुद्दा है बहस का? मुद्दा बहस का है नहीं, मुद्दा आप डिसाइड करेंगे। देश का वित्त मंत्री भ्रष्ट है, उसकी बेटी ने 24 लाख रुपए दिसंबर 2017 में लिए, 4 नवंबर को मेल चौकसी भाग गया, 20 फरवरी को वो 24 लाख वापस लौटाए, इस बात पे इस्तीफा मांगा जा रहा है। अशोक गहलोत जी यहाँ अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राफेल से लेके किसानों के भ्रष्टाचार के सारे मुद्दे उठा रहे हैं तो टाइमिंग ही वेरी टाइमिंग नंबर टू। मुद्दे पे आइए, सुनिए, मैं तीन बातें कहता हूँ। 37 प्रश्न उठाए सचिन पायलट जी ने, ठीक है, एक प्रश्न का जवाब मुख्यमंत्री या उनके प्रदेश अध्यक्ष ने दिया नहीं। गहलोत जी और पायलट जी की माला जबके भाजपा वैतरणी पार करना चाहती नहीं, है। सुशील जी, हम कोई वैतरणी के भरोसे नहीं है, लेकिन मुकेश जी ये बात तो है, इसमें मत बोलिए। सुशील जी ने कहा, मुकेश जी ये बात तो है, बार बार शो के लिए सचिन पायलट ही आते हैं। नहीं प्लीज, बार बार सचिन, पहले तो 4 खंभों पे खड़ी भाजपा, एक खंभा गजेंद्र शेखावत, दूसरा वसुंधरा, तीसरा अमित शाह, चौथा पता नहीं कौन, मोदी जी उसको संभाले हुए, किसी तरह खड़ी रह जाए वो खाट। लेकिन दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, आज तक 45,000 करोड़ रुपए के खान में दोषी कौन है? कोई नहीं बता रहा है। लोकायुक्त को 3 साल आपने आगे बढ़ा दिया। बीजेपी पर प्रहार कांग्रेस के लगातार, यहाँ पर भी सुशील जी आपसे सवाल कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से आप लगातार जिस तरह से मुद्दे की बात वो कर रहे हैं। चाहूंगा जिस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज अशोक गहलोत जी ने मुद्दे उठाए और जो सुशील जी कह रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि हम थोड़ी करें, राहुल गांधी जी एक मोटरसाइकिल पे दोनों को बैठाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? हमने कहा क्या उनको? हमने कहा क्या उनको? हमने कहा कि चारपाई संभव है? हमने कहा आपकी चारपाई टूट गई है? आज की ठीक है, अगर वहाँ पर पीसी हुई, मुकेश जी, ठीक है, हमने मुकेश जी, दो पीसी अगर वहाँ हुई है तो दो पीसी आपकी भी हुई है, प्रकाश जावड़ेकर भी आए, राजेंद्र राठौर भी आए। मैंने कहा ना कि आप अपनी खुद का देखिए साहब, आप आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए, पूरा देश जानता है, करोड़ के पूरा देश जानता है, कहाँ का कोर्ट? मेरे को बताओ ना सर, आप क्यों नहीं गए कोर्ट में? आप जाते हैं साहब कोर्ट में, आपके आप बैठाने की बात करो ना, आपके खिलाफ करेंगे। आपने जब पिछली बार, सुनो सुशील जी, जब पिछली बार भी आपकी सरकार आई थी तो आपने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ आयोग गठित किया, आपने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ आयोग गठित किया, क्या उसका परिणाम? एक भी बताओ, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, आप राजस्थान की जनता से, राजस्थान की जनता आपसे जानना चाहती है, केवल आप मत बताइए आपका मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान की जनता आपसे जानना चाहती है कि क्या आपका मुख्यमंत्री विधायकों में से होगा या गैर विधायकों का? मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि मुकेश जी ये बता दें कि 30 अक्टूबर 2014 को खान आवंटन पे रोक लगाने का जो आदेश दिल्ली से आया मोदी सरकार का, वो कागज अशोक सिंघवी ने मुख्यमंत्री के साथ साझा किया था या नहीं किया था? अगर साझा नहीं किया था तो अशोक सिंघवी ने 653 खाने और 1,00,000 बीघा जमीन खानों की कैसे आवंटन कर दी? और अगर कर दी तो आपने उसको दोषी क्यों नहीं माना? क्यों उसका प्रमोशन किया? क्यों उसको चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहते थे? हाँ मुकेश जी, मैंने कहा कि हर जगह मेरे प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूँ ना, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जांच पेंडिंग है साहब, आप सुनिए, आप सुनिए, आप होम मिनिस्टर का मैं कह रहा हूँ ना सर, हर सारी चीजें जांच में है, सारी 5 साल आप जाते ना, अब आपके पास समय साहब, आप जाते हैं, आपने पहले आयोग गठित किया, क्या किया उसने? अरे नहीं, क्या किया? मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ ना, आपने थोड़ी है, नहीं, आपके आरोप लगाने से सिद्ध हो गया क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, आपके आरोप लगाने से आरोप सिद्ध हो जाता है? गोविंद राम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, गोविंद राम जी, ठीक है, गोविंद राम जी का रिएक्शन ले लेते, गोविंद राम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बात बताओ, ठीक है, वसुंधरा राजे जी का प्रश्न दूसरा पूछ, गोविंद राम जी बोल रहे हैं, सुशील जी सुन लीजिए, कांग्रेस से वो भी है, गोविंद राम जी, श्वेता जी, जी श्वेता जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी की सरकार एक जन कल्याणकारी सरकार थी। आज जो वापस राजस्थान में जो माहौल बना है और जो एक तरफा माहौल बना है, वो उसका मुख्य कारण है जो गहलोत साहब ने अपनी सरकार में 5 साल में काम किए हैं, सारी राजस्थान की जनता उनको याद कर रही है।
ठीक है। और ये जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, राज इनका था, अगर कोई भ्रष्टाचार किया था तो इनको कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी आप देख लीजिए कि पूरे मीडिया में पूरे सर्वे आ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार 150 से ऊपर आ रही है, उसका मूल कारण जो पिछले 5 सालों में काम किए हैं, चलिए वो अच्छे परिणाम है। अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कब कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि अब इस तरह के परिणाम आ रहे हैं जिस तरह से अभी पोल में भी रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन गोविंद राम जी, आज अगर बात कीजिए, चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों ने की, टाइमिंग को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है क्योंकि उसको एक बैठे बैठा मुद्दा मिल गया है। अब अगर सुशील जी इस पर बात नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन गोविंद राम जी लेकिन अहम सवाल यह भी है कि आज प्रकाश जावड़ेकर ने एक बात और कही कि कहीं पर भी साथ नहीं है, साथ चलने यहां पर बात कही जाती है, एकता नजर नहीं आती कांग्रेस में, अशोक गहलोत सचिन पायलट को लेकर दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें एक लाइन में जवाब दे दीजिए गोविंद राम जी, जिस तरह के ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। मेरा निवेदन है श्वेता जी, अगर दोनों नेताओं ने एक टाइम में कर ली, एक ने जयपुर और एक दिल्ली में, तो कहां दिक्कत है? इनको क्या परेशानी हो रही है? हम तो 10 जगह एक साथ बोलेंगे, प्रेस की सुविधा है, तो ये कोई मुद्दा थोड़ी हुआ। मुद्दा तो ये है कि नोटबंदी क्यों की, आपने GST लगा के पूरे देश को आर्थिक संकट में डाल दिया। लेकिन सवाल उठता है गोविंद राम जी, आज किसान जो है, क्या कांग्रेस की रणनीति बदल रही है गोविंद राम जी? क्योंकि अक्सर देखा है सचिन पायलट प्रदेश में रहकर बात करते हैं। कांग्रेस की रणनीति साफ है श्वेता जी, राजस्थान में चलिए ठीक है, यानी राजस्थान में कांग्रेस की राजस्थान के अंदर किसान दुखी है, जनता दुखी है, नोटबंदी, किसान दुखी, जनता दुखी। और इस वक्त हमारे साथ खुद आप नेता रामपाल जाट जी जुड़ गए हैं, किसानों के हित में इनसे ज्यादा किसी ने काम किया नहीं है और लगातार वो इसी को लेकर सक्रिय भी हैं। सबसे अहम सवाल रामपाल जी, कांग्रेस को लेकर उठ रहा है, जिस तरह से कांग्रेस किसानों को लेकर ही बात उठा रही है और उसी पर प्रहार भी बीजेपी कर रही है, क्या आपको लगता है कि किसानों को लेकर कांग्रेस ने काम किया है? क्योंकि देखिए, अब आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, इससे पहले आप बीजेपी में थे, कांग्रेस के भी अच्छा लंबा कार्यकाल आपने देखा है, क्या किसानों के हित में बीजेपी से बेहतर कांग्रेस ने किया है? आप ये मानते हैं या दोनों ही पार्टियों ने सिर्फ किसानों का इस्तेमाल किया है? सविता जी, मैं कुछ तथ्य बताता हूं जी। पहला तथ्य, देश में एक ही आयोग बना किसानों के लिए जिसका नाम था राष्ट्रीय किसान आयोग, वो अटल जी के समय बना, उसके बाद में उसको यूपीए फर्स्ट ने कंटिन्यू किया, ठीक है, उसके चेयरमैन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को बनाया, 15 की टीम उनके साथ थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2006 में प्रस्तुत कर दी, उस रिपोर्ट को 15 अगस्त 2007 से लागू होने की प्रस्तावित तिथि थी, वो 15 अगस्त 2007 को आज हो गए 11 वर्ष से अधिक, इसमें दोनों की ही सरकारें रह गई, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी, बिल्कुल दोनों की सरकारें। सुशील जी, जिस तरह से आपने कहा कि चलिए टाइमिंग पर बात नहीं करते, आपने कहा कि मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर बात करनी चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, क्या प्रदेश के मुद्दे कम हैं, छोटे नजर आते हैं जो हर बार केंद्र के मुद्दे या उन्हीं मुद्दों को उठाकर बात की जाती है? राफेल को लेकर प्रदेश में बात की जाती है, किसानों के हित में अगर बात आप करते हैं तो वो जरा सी बात होती है, क्या ऐसा कुछ है? देखिए श्वेता जी, क्यों बार बार ऐसा नजर आता है? प्रदेश के मुद्दों पे 37 प्रश्न हमने पूछे एक, लेकिन रामपाल जी ने बड़ी अच्छी चर्चा छेड़ी है। मैं हो सकता है ये कहें कि एक आदेश नहीं निकला कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाती है, पर आप तुलना करिए यूपीए 2 के समय साल दर साल जो MSP बढ़ा है वो 6% से 15% तक बढ़ा है हर जींस का, और NDA का जो है वो 4% से लगे 9% तक बढ़ा है साल दर साल, मतलब पिछले साल पे अगले साल। अब देखिए, अगर और ये क्लेम करते हैं कि हमने C2 को छोड़ करके, ये तो कहते हैं C2 शामिल किया है, लेकिन C2 शामिल नहीं है, रामपाल जी भी स्वीकार करते हैं, C2 को छोड़ करके ये कहते हैं हमने 1.5 गुना कर दिया। अरे भाई, अगर 5 साल में खाद, बिजली, पेट्रोल, डीजल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और लेबर की कीमत जोड़ लें तो 4 से 9% की वृद्धि आपने की है, तो इसका मतलब 1.5 गुना तो हम यूपीए 2 दे रही थी, फिर आपने क्या तीर मारा है? लेकिन इस बात पे कोई बात करने को, इस पर भी जवाब दे दीजिए। एक लाइन, ठीक है, राजस्थान में अभी भी आज मूंग खुला है, उड़द खुली है आपकी, सोयाबीन खुला है, किसी के भी कांटे लगे हों 10% से ज्यादा मंडियों में, तो मैं मुकेश जी के साथ मेरी गाड़ी लेकर के रात को ये जिस मंडी में गए, ये टोंक पास में है, वहां अगर तुलाई शुरू हो गई हो, आप कह रहे हो 25% खरीदेंगे, मैं कह रहा हूँ अपने अगर 0.5% भी खरीदाओ अभी तक, तो शर्त लगा लो ये रामपाल जी टोंक से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये चुनाव प्रभारी हैं, मैं तो सीधा साधा आदमी।
चैलेंज ही कर रहे हैं सीधे तौर पर सुशील जी, मुकेश जी। देखिए मैं कहना हूँ श्वेता जी, आजकल कांग्रेस के सारे मित्र बड़े चीन के साथ। मैं तो तथ्य की बात कर रहा हूँ, आप बोलना सुशील जी, तथ्य की बात सुनिए शुरू। आप चलने को तैयार? मेरी बात तो, अरे आप मेरी बात तो सुनिए, ये बड़े चीन के साहूकार बेचारे बहुत सच बोलते हैं पूरे राजस्थान की मंडी में चलेंगे क्या मेरे साथ? मैं जानता हूँ आज हिंदुस्तानी में चलेंगे मैं चलने तैयार हूँ ना आपके 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 साथ मैं चलेंगे ना चलेंगे इसके बाद भी चलेंगे। मैं कह रहा हूँ आपको, आपने हिंदुस्तान की जनता के साथ किसानों के साथ 50 साल में क्या किया है ये सब जानते हैं। आज मैं आपको मैं पूछता हूँ किसान क्रेडिट कार्ड, मैं पूछ रहा हूँ ना आपको किसान क्रेडिट कार्ड हिंदुस्तान में कौन लेके आया? आप बताइए ना, है ना किसान क्रेडिट कार्ड अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज फसल बीमा योजना, अरे अरे आप सुनिए शुरू सुशील जी, आज आज राजस्थान के किसानों का 50,000 का कर्जा आपको मालूम है सर? आप सर मैं क्या करूँ, 50 लोन माफ किए क्या? कौन कह रहा है माफ किए? मैं कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? आप कहो, आप कह रहे हो केसीसी के लोन माफ? चलिए ठीक है रामपाल जी, आपने कहा यहाँ बात ये हो रही है कि किसने किया ज्यादा, किसने यहाँ पर ज्यादा काम किया, लेकिन रामपाल जी किसानों को लेकर अगर बात की जाती है, आपने कहा बीजेपी कांग्रेस दोनों ही नहीं, क्या आपको लगता है कि प्रदेश के मुद्दे कहीं पीछे छूटते हैं, केंद्र के मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय मुद्दों के पीछे बात ज्यादातर उनकी की जाती है, क्या आप ऐसा मानते हैं? दिक्कत यह है देश के दोनों ही बड़े दल आपस में आरोप और प्रत्यारोपों में उलझा कर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाते रहते हैं। इसलिए धीरज पूर्वक सबको विचार करना चाहिए कि जिस MSP की बात की जा रही है ये ठीक बात है, वो कांग्रेस के समय में बड़ी और वो BJP के समय में भी बढ़ी, दोनों शासनों में MSP बढ़ी है, लेकिन वो MSP का बढ़ना यदि उसको मूल्य सूचकांकों के साथ जोड़ा जाए तो दोनों के राज्य में ही बाकी चीजों की कीमतें ज्यादा बढ़ी और MSP कम बढ़ी। दूसरा अभी जो घोषणा की जा रही है वर्तमान में कि हमने लागत का 1.5 गुना दे दिया MSP में सभी फसलों का, आश्चर्य की बात ये कि दुनिया में लागत 2 प्रकार की नहीं होती, एक ही प्रकार की होती है और उस लागत को कहा जाता है कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट यानी व्यापक लागत। उस व्यापक लागत का आज तक भी 1.5 गुना नहीं किया है, मूंग का 1 क्विंटल का दाम। चलिए ठीक है, यानी रामपाल जी दोनों ही पार्टियों को लेकर आप सवाल कर रहे हैं, ये सवाल दोनों ही पार्टियों के लिए, कोई कितना भी कहे कि हमने किसानों के लिए ज्यादा कर दिया क्रेडिट, क्योंकि अब वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। गोविंद राम जी एक अहम सवाल यहाँ पर रहेगा आपसे, ठीक है टाइमिंग की बात यहाँ पर बीजेपी कर रही है, 11 बजे ही केंद्र में वहां PCC चीफ सचिन पायलट करते हैं PC और यहाँ पर अशोक गहलोत करते हैं, लेकिन एक अहम बात उन्होंने कही थी कि CM रेस की बात हो रही थी तो गहलोत साहब ने कहा खेल तो अभी शुरू हुआ है, किस तरह का खेल, क्या माने निकल रहे, क्या कहना चाह रहे थे अशोक गहलोत? गोविंद राम जी देखिए जी, गहलोत साहब बयान दे चुके हैं कौन बनेगा करोड़पति, ये बयान दे चुके हैं, इसलिए हम इसमें ज्यादा नहीं उलझना चाहते। मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूँ, आज 25 क्विंटल मूंगफली मात्र खरीदते हैं किसान, के मूंगफली होती है 200 क्विंटल समर्थन मूल्य से, तो 25 क्विंटल खरीद के बाकी वो जो किसान 3,000 के प्रति क्विंटल भेजने को मजबूर है बेचने को, इसके लिए कौन जवाब दे रहा है, कौन जिम्मेवार है? ठीक है आपका कहने का मतलब है बीजेपी सरकार, आपका कहने का मतलब बीजेपी सरकार आप जो किसानों के लिए किया है वो नाकाफी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? 5 साल के अंदर इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, ये मुद्दा भी आज देश का बेड़ा गर्क कर दिया, आप बताइए ना देश झेल रहा है, आप कैसे सुधारे? आज किसान दुखी है। चलिए ठीक है, किसान दुखी है जिस तरह से बीजेपी कह रही है किसानों को लेकर, ना बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ने कुछ खास नहीं किया है, ये रामपाल जी कह रहे हैं कुछ खुद किसान नेता हैं। चलिए वक्त यहाँ पर खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बिग फाइट में शामिल होने के लिए, लेकिन अहम सवाल यही है टाइमिंग को लेकर, कांग्रेस कहती है कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो खैर हम डिसाइड करेंगे कि बिग फाइट में हमें बात किस पर करनी है, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल अगर उठ रहा है तो खरे तौर पर जवाब यहाँ पर देना चाहिए, इत्तेफाक भी हो सकता है, हालांकि दिल्ली में पहले से ही सेट होता है कि प्रेस वार्ता कब करेगा, कौन करेगा, किस मुद्दे पर करेगा, लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत ने भी उसी वक्त कॉन्फ्रेंस के और यही बैठे बैठा है बीजेपी को मुद्दा मिल गया है, इसे कह सकते हैं कि कांग्रेस की नई रणनीति भी हो सकती है, हालांकि कहा यह जा रहा है कि रणनीति भी हो सकती है, खींचतान भी हो सकती है, प्रतिस्पर्धा भी है या फिर कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, बहरहाल जो भी हो लेकिन मुद्दे प्रदेश से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो हावी रहते हैं, हमने अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा है और आज भी ये देखने को मिला। चलिए इसी साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक अहम खबर से आपको रूबरू करा दें, जयपुर से ये खबर आ रही है पिंक सिटी
प्रेस क्लब में यहाँ आज कार्यक्रम आयोजित है, उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। 27वां स्थापना दिवस समारोह आज मनाया गया है, लेकिन दीजिए फिलहाल के लिए इजाजत। नमस्कार।